नमस्ते दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे बिहार का हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें आज से हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो आधुनिक बिहार में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो आधुनिक बिहार, इसमें देखते हैं आधुनिक काल की जो शुरुआत है वो प्रायः नदी के प्रारंभ से मानी जाती है। हालांकि बिहार में यूरोपीय का आगमन 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हो गया था। वहीं 1711 ईस्वी में डचों ने मुगल सम्राट जहांदार शाह से, मतलब कि जहांगीर होना चाहिए, बंगाल एवं बिहार में व्यापार हेतु कुछ रियायतें प्राप्त की, ठीक है। वहीं अलीवर्दी खां 1732 ईस्वी में बिहार का नायाब नाजिम तथा 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था, ठीक है। ये दोनों इसी टाइम पीरियड के हैं। तो उसने भोजपुर, टेकारी, चकवार, बेतिया, तिरहुत आदि क्षेत्रों के विद्रोही शासकों को शांत कर शांति व्यवस्था कायम की, ठीक है। बंगाल के नवाब जो थे उस समय, अली वर्दी खान ने 1750 ईस्वी में सिराज उद्दौला को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। वहीं 9 अप्रैल 1756 को नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात सिराज उद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। तो ये याद रखिएगा कि अली वर्दी के बाद सिराज उद्दौला बंगाल के नवाब बने। वहीं प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो डेट के साथ याद रखिएगा, 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें नवाब शुजाउद्दौला, जिसे सिराज उद्दौला भी कहा जाता है, तो नवाब सिराज उद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हो गई। इसी में अंग्रेजों का आगमन हो जाता है बिहार और बंगाल में। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और उसके पुत्र मीरन को बिहार का उपनवाब। तो याद रखिएगा कि सिराज उद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बना मीर जाफर। तो इस तरह क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा, अली वर्दी, नवाब सिराज उद्दौला, उसके बाद मीर जाफर। परंतु बिहार की वास्तविक सत्ता राजा राम नारायण के हाथों में ही बनी रही। तो मुगल सम्राट अली गौहर अपने को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा का अधिपति मानता था। वहीं पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल की राजनीतिक अस्त व्यस्तता को देखते हुए उसने बिहार पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो पलासी के युद्ध के बाद जो बंगाल की राजनीतिक अस्त व्यस्तता, अचानक से अंग्रेजों ने अपना एक नया नवाब चुन लिया था मीर जाफर के रूप में, तो इसी के कारण यहाँ पे आक्रमण हो गया, ठीक है, जिसमें उसकी पराजय हो गई। 1760 में अली गौहर, जिसने अब शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर ली थी, ने बिहार पर आक्रमण किया, परंतु धन एवं साधन के अभाव में उसका यह अभियान बेकार साबित हो गया और हार गया, ठीक है। वहीं 1760 ईस्वी में मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बन गया। अब देख लेते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764। ये भी बिहार और बंगाल के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो अंग्रेजों ने मीर कासिम के स्वच्छंद आचरण को देखकर उसे नवाब पद से हटाने लगा। मतलब कि जब अंग्रेजों ने मीर कासिम को जब बंगाल का नवाब बनाया, नवाब बनने के पश्चात वो अपना अधिकार करने लगा, वो अंग्रेजों की बात नहीं सुनने लगा। इसी को कहा जाता है स्वच्छंद आचरण, मतलब स्वतंत्र दिखने लगा। तो इसके देखते हुए अंग्रेज को कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो इसी के लिए अंग्रेजों ने फिर से बंगाल का जो नवाब का पद था वो बदल दिया। तो मीर कासिम भाग कर पहले पटना आया और फिर लखनऊ जाकर नवाब शुजाउद्दौला से सहायता मांगी। उन दिनों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अवध में ही उपस्थित था। तो मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक गुट का निर्माण कर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध बक्सर में शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर, ठीक है, 1 2 3, और उसके बाद अंग्रेजों पर आक्रमण किया। बक्सर का क्षेत्र था जहां पे इसमें आक्रमण हुआ, विद्रोह हुआ।
परंतु 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में सर हेक्टर मुनरो, मुनरो का नाम याद रखिएगा, के नेतृत्व में अंग्रेज की सेना जो थी वो इन तीनों को पराजित कर दी, ठीक है, मीर कासिम, उसके बाद नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और अंग्रेजों की इसमें जीत हो गई। बक्सर युद्ध के पश्चात बिहार प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कासिम खां के द्वारा बिहार के डिप्टी गवर्नर धीरज नारायण, जो जिसको कहा जाता है राजा राम नारायण का भाई, के सहयोग से चलाए जाने लगा, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा कि बक्सर के युद्ध के पश्चात बिहार का जो प्रशासन था वो मिर्जा मोहम्मद कासिम खां के द्वारा चलाया जाने लगा। अब देख लेते हैं दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिला। तो 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी, लगान वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। एक अलग संधि के माध्यम से कंपनी ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए एक उप प्रांतपति का पद बनाया। बिहार के कुछ महत्वपूर्ण उप प्रांतपति में राजा राम नारायण तथा सीतवा राय, सीतवा राय का नाम बहुत आता है हिस्ट्री में, ठीक है, सीतवा राय का नाम प्रमुख था। 1761 ईस्वी में राजवल्लभ भी बिहार के नवाब बने, ठीक है। 1766 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी सैमुअल मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सीतवा राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। वहीं 1767 ईस्वी में, एकदम क्रोनोलॉजी से आते जा रहे हैं, ठीक है, जब तक क्रोनोलॉजी से याद नहीं रखिएगा ना हिस्ट्री भूल जाइएगा। तो 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सीतवा राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। उसी वर्ष टॉम्स बोल्ड पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी नियुक्त हुआ। 1769 ईस्वी में प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षकों की बहाली हुई। इस अवधि में लगान वसूली का काम अत्यंत कठोर और अन्यायपूर्ण ढंग से किया जाता रहा, जिससे कृषि वर्ग, यहाँ पे देख लीजिए कि जो अंग्रेजों द्वारा लगान वसूली किया जा रहा था वो अत्यंत कठोर और अन्यायपूर्ण था, ठीक है, जिससे कि किसान वर्ग और आम आदमी को बहुत ही दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ा। तो आगे देख लेते हैं, 1770 ईस्वी में बिहार और बंगाल में भीषण अकाल आया, ठीक है, यह भी डेट याद रखिएगा। फिर 1770 ईस्वी में एक लगान परिषद का भी गठन हुआ, जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है। 1770 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर लगान परिषद के अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज बेसिटॉट के बाद क्रमशः योम्स लेन, फिलिप मिलनर डैक्टिस और इशाक सेज तथा यान लॉ, ये इनकी नियुक्ति हुई थी लगान परिषद के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। वहीं 1781 ईस्वी में लगान परिषद को समाप्त कर दिया गया, मतलब कि मात्र 11 वर्षों में इसे समाप्त कर दिया गया, लगान परिषद याद रखिएगा। और उसके स्थान पे जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना था, उसके स्थान पर रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार का पद सृजित हुआ और विलियम मैक्सवेल उस पद पर नियुक्त किए गए, ठीक है। 28 अगस्त 1771 के पत्र द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, ये याद रखिएगा। 1771 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैध शासन को समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसके द्वारा वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक है। वहीं 3 अप्रैल 1772 ईस्वी को वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल का गवर्नर का पद संभाला। अभी बंगाल का गवर्नर है, अभी भारत का गवर्नर नहीं बना है, ठीक है, बंगाल का गवर्नर है ये। अब देख लेते हैं, इसी काल में गोलघर का निर्माण कराया गया था जो कि पटना में है। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल आया, ठीक है, अकाल बहुत ज्यादा भयावह स्थिति लेकर आता था बिहार में, क्योंकि गरीबी ज्यादा थी तो और ज्यादा भुखमरी से लोग मर जाते थे। तो इसी समय जॉन शोर नामक अंग्रेज ने इसके कारण एवं प्रकृति की जांच की और इसे नियुक्त किया गया कि वो अकाल का प्रकृति और इसके कारण की जांच कर सके। तो जॉन शोर के एक अन्नागार के निर्माण के सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण कराया गया। तो कौन था? जॉन शोर ने पटना में गोलघर का निर्माण करवाया। वहीं फौजदारी प्रशासन भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए, ठीक है, अब तो फौजदारी भी आ गई, पहले सिर्फ जमीन था, भूमि था,
लगान वसूलने का पावर था, अब फौजदारी प्रशासन भी आ गया। तो 1790 ईस्वी तक अंग्रेजों ने फौजदारी प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। पटना के पहले मजिस्ट्रेट के रूप में चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड नियुक्त किए गए। 1865 ईस्वी में पटना और गया जिले अलग अलग संगठित किए गए, मतलब कि 1865 में पटना और गया दोनों को अलग अलग कर दिया गया। फिर 1866 ईस्वी में सारण जिले का भी, मेनली क्या होता है ना कि अगर जिले को दो भागों में बांटा जा रहा है तो उसका कारण होता है जनसंख्या, ठीक है। मुख्यतः जनसंख्या जब बढ़ता है और उसे नियंत्रण करने में परेशानी हो रही है तो विकेंद्रीकरण किया जाता है, ठीक है, उसे तोड़ा जाता है जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था को और हम सुदृढ़ कर सके। तो यहाँ पे सारण जिले को भी दो भागों में बांट दिया गया, एक का नाम सारण था, दूसरे का नाम चंपारण। वहीं 1875 ईस्वी में तिरहुत को भी दो भागों में बांट दिया गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा, 1865 में पटना से हो गया, पटना और गया, वहीं 1866 में सारण से हो गया, सारण और चंपारण, उसके बाद 1875 में तिरहुत से हो गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ठीक है। जमींदारों को प्रभावित करने के लिए लुभाया गया, सम्मान देकर, अनेक प्रकार की उपाधियां देकर, ठीक है, जिससे कि भारत जैसे देश में लोकल्स का सपोर्ट मिल सके अंग्रेजों को, ठीक है। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात, ये याद रखिएगा, ये जो समय था 1857 की क्रांति के पश्चात का समय, अंग्रेजों ने जमींदारों को प्रभावित करने के लिए उन्हें उपाधियां एवं सम्मान दिए। सम्मान एवं पुरस्कार पाने में सासाराम के शाह कबीरुद्दीन, बाढ़ के मुंशी अमीर अली एवं मुजफ्फरपुर के कुलदीप नारायण सिंह सम्मानित थे। उन सम्मानों के द्वारा अंग्रेजों जमींदारों को अपना समर्थक बनाने में कामयाब हो गए, ठीक है। अंग्रेज लालच देकर इनका सपोर्ट हासिल कर रहे थे, ठीक है। आरंभ में अंग्रेज दरभंगा महाराज एवं डुमराव के महाराज से काफी नाराज थे, किंतु वे बाद में उनसे संतुष्ट हो गए। अब देख लेते हैं नील का विद्रोह। नील का विद्रोह कब हुआ था? 1860 से 61 में, मतलब कि 1857 के बाद, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हुआ था बंगाल में, ये दोनों पॉइंट बहुत याद रखिएगा। और ये किस किताब में लिखा गया? नील दर्पण में इसका विवरण है, ठीक है। तो 1860-61 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। इस समय उत्तरी बिहार के दरभंगा एवं बेतिया जिलों में भी जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी एवं खेतीहर मजदूर के साथ पशु के तरह पशुवत व्यवहार किया जाता था, माने उनका उत्पीड़न बहुत ज्यादा किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, ठीक है। दिख रहा है, एक एक चित्र दे दिया हूं जिसमें अंग्रेज द्वारा जबरदस्ती, देखिए यहाँ पे लोगों से कार्य करवाया जाता था, जिसमें विद्रोह कर दिए। तो ये लोग तीर कमान लेके आए और अंग्रेजों के पास बहुत ही आधुनिक हथियार थे जिससे कि इन विद्रोहों को दबाने में आसानी हुई। तो बंगाल के नील विद्रोह का प्रभाव बिहार पर भी पड़ा तथा 1866 ईस्वी में पंडोल जो मधुबनी में है और 1867 ईस्वी में चंपारण में नील विद्रोह हुआ, किंतु यह जल्द ही शांत कर दिया गया क्योंकि इनके पास पारंपरिक हथियार थे और इनके लेटेस्ट हथियार थे, ठीक है। वहीं ब्रिटिश सत्ता को चुनौती, तो 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक अर्थात पलासी के युद्ध की लड़ाई से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मतलब कि 1857 तक बिहार के स्थानीय लोगों द्वारा अंग्रेजों की सत्ता को असंगठित या संगठित रूप में चुनौती दी गई। इन चुनौतियों में बहावी आंदोलन और विभिन्न जनजातीय विद्रोह प्रमुख है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा ही एक सम्मिलित राज्य था जहां अंग्रेजों ने आरंभिक सफलता के साथ सत्ता स्थापित कर विस्तार का काम शुरू किया। अतः मेनली क्या था ना, उस समय बंगाल जो था ना वो राजनीतिक गढ़ था, इसलिए बंगाल पे अधिकार करना चाह रहा था अंग्रेज, ठीक है। और यहाँ पे शोरे का बहुत अच्छा उत्पादन होता था जो बारूद बनाने में उपयोग होता था जिससे कि उनके हथियार बनाने में भी काम आता था। अतः यही क्षेत्र अंग्रेजी राज्य के अत्याचार से पहले प्रभावित हुआ और इन्हीं इलाके के लोग ने सर्वप्रथम विद्रोह किया। जहां अत्याचार होगा वहीं तो विरोध होगा, जहां अत्याचार ही नहीं होगा वहां विरोध कैसे होगा। इसमें बिहार का स्थान अग्रणी था, अंग्रेज विरोधी संघर्ष का यह आरंभिक चरण था जिसे प्रोटो नेशनलिज्म या पूर्व राष्ट्रीयता का चरण माना जाता है, ठीक है। तो स्वतंत्रता संघर्ष का दूसरा चरण जो था राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरा, जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से
ही देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी। संघर्ष के दूसरे चरण के अंतर्गत भी बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। देश में पहली बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग जो हुआ वो चंपारण में हुआ, जो गांधी जी के द्वारा किया गया 1917 में राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे ये गए थे। किस कारण? तीन कठिया, ठीक है, तीन कठिया परेशानी में समाधान के लिए गांधी जी को बुलाया गया था। फिर खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ। फिर होम रूल हुआ, सविनय अवज्ञा, ये 1919 में हुआ, ये 1920 में हुआ। 1916 सविनय अवज्ञा, 1930 भारत छोड़ो, 1942। इसी तरह एकदम याद होना चाहिए के विभिन्न चरणों में बिहार की जनता ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस चरण में बिहार की एक अलग पहचान बन गई। अब देख लेते हैं बहावी आंदोलन। तो बहावी मत के आदि प्रवर्तक जो थे अरब का अब्दुल अल बहाव था, उन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम बहावी आंदोलन पड़ा। तो भारतवर्ष में इस आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 1786 में पैदा हुए सैयद अहमद बरेलवी, ये नाम याद रखिएगा, सैयद अहमद बरेलवी ने ही बहावी आंदोलन की शुरुआत की। पहली बार पटना आने पर सैयद अहमद ने मोहम्मद हुसैन को अपना मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया। दोबारा आने पर उन्होंने यहाँ चार खलीफा नियुक्त किए, जिनके नाम थे मोहम्मद हुसैन, बिलायत अली, इनायत अली और फरहत अली। तो 1831 ईस्वी में बालकोट की लड़ाई में जो सिखों के खिलाफ लड़ते हुए सैयद अहमद की मृत्यु हो गई, ये याद रखेगा, सिखों के खिलाफ, ठीक है। इस लड़ाई में सिखों का सेनापति शेर सिंह था। तो सैयद अहमद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकार तो दिल्ली के मोहम्मद नसीरुद्दीन को मिला, किंतु आंदोलन का व्यावहारिक नेतृत्व विलायत अली के पास रहा। बहावी आंदोलन मुख्यतः मुस्लिम समाज में एक सुधार आंदोलन था। इस ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के दो मुख्य केंद्र थे। तो पश्चिमोत्तर सीमांत, मतलब कि मान लीजिए ये बिहार है तो पश्चिम इधर हो गया और ये वाला क्षेत्र चंपारण वाला क्षेत्र, ठीक है। तो पश्चिमोत्तर सीमांत के अफगान कबीलों की मदद से बहावियों ने सितना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया, जहां सैनिक और आर्थिक साधन पहुंचाने के लिए पटना में एक केंद्र बनाया गया। यहां से धन और स्वयं सेवक सितना भेजे जाते थे, ठीक है। अब बंगाल का फुराइजी आंधी से प्रेरित था, जिसके नेता थे हाजी शरियतुल्लाह, और 1828 ईस्वी से 1868 तक इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। वहीं 1857 के विद्रोह के समय पटना के बहावी की काफी सक्रियता थी। ये भी याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भी बहावी लोग बहुत ज्यादा सक्रिय थे। बिहार में बहावी आंदोलन का दमन करने के उद्देश्य से 1863 में अम्बेला और 1865 में पटना में बहावियों पर राजद्रोह के मुकदमे चलाया गया और उनके नेताओं को कारावास की सजा दी गई। 1868 ईस्वी में पटना में चुन्नी एवं मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया गया। 1869 इसी समय गांधी जी का जन्म हुआ था। ईस्वी में अमीर खां एवं उसके साथियों को आजीवन काला पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। हालांकि इसके बाद यह आंदोलन शिथिल पड़ गया, परंतु ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यह एक महत्वपूर्ण विद्रोह साबित हुआ। बहावियों ने ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार का पहला उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भी अपनाया, ठीक है। बहावी आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन नहीं था, यह याद रखिएगा, केवल धार्मिक आंदोलन, सिर्फ मुस्लिम के लिए ही यह नहीं था, बल्कि यह साम्राज्यवाद के खिलाफ था। जो कॉलोनीज थी, ब्रिटिश थे, उसी के विरुद्ध था। उनके आचरण, उनके व्यवहार जो लोगों के साथ थे, नस्लीय अलग, जातीय अलग, धार्मिक अलग, सामाजिक अलग, अनेक तरह के कारण थे, और सभी कारणों में वो ब्रिटिशर जो थे वो उत्पीड़ित करते थे, शोषित करते थे भारतीयों को। इसके अनुयायी अपने आप को अहले हदीस कहते थे, ये याद रखेगा, जो बहावी आंदोलन था उसके अनुयायी अहले हदीस कहे जाते थे। अब देखते हैं नौनिया विद्रोह। बिहार में शोरा, जो पूर्वी क्षेत्र है हमारा, किशनगंज और बंगाल के कुछ क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में शोरे का उत्पादन होता है। तो बिहार में शोरे के उत्पादन का मुख्य केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया था। तो शोरे की मिट्टी
इकट्ठा करने और उसे तैयार करने। तो सोरे के लिए जो मिट्टी इकट्ठा की जाती है और उसे तैयार करने का काम नोनिया समुदाय को कहा जाता है, ठीक है। तो सोरा का उपयोग मुख्यतः बारूद बनाने के लिए होता है। तो ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का शिकार इन्हें भी होना पड़ा, अतः इन्होंने भी अंग्रेजी राज के विरुद्ध छोटे मोटे ही सही किंतु विद्रोह किया, यहाँ पे देख सकते हैं। अब देख लेते हैं लोटा विद्रोह 1856 में हुआ। ये सब कभी कभी ना बिहार में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, चाहे बीपीएससी में, ठीक है, और भी बिहार के बहुत से एग्जाम होते हैं, उसमें भी पीटी में बहुत बार ये सब सवाल देखा जाता है। सन 1857 ईस्वी की क्रांति के पहले ही मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी राज्य के प्रति जनता में घोर असंतोष फैला हुआ था। यहाँ के प्रत्येक कैदी को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, छोटा नहीं, ठीक है, लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। तो इसका इसका मुख्य कारण यही था, जो पीतल का लोटा था उसके जगह पे मिट्टी का बर्तन दिया जाने लगा। तो इसी का मेन समस्या था जिसका कैदियों ने विद्रोह कर दिया। इसका कैदियों ने कड़ा विद्रोह किया, फलतः सरकार ने कैदियों को पुनः पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया। मतलब ये छोटी सी जीत ही मानी जाती थी, कम से कम अपनी बात को मनवाया तो सही। तो इस विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर, शुरुआत था, ये भी 5-6 दिनों में मैं पूरा का पूरा मॉडर्न समाप्ति कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट समाप्त हो जाएगा, उसके बाद साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यू के डेली कम से कम 50 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, प्लीज यार सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा 1000 का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए, जिससे हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। थैंक यू।